नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पहले जिस देश में गंगा बहती है पाठ का दूसरा भाग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि है जिस देश में गंगा बहती है, कविता के कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार। बोलो। पहले हम पढ़ चुके हैं कवि शैलेंद्र कुमार के बारे में। जीवन काल सन 1923 से सन 1966। इनकी कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों ने की रचना की। इसके लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहले हम पढ़ चुके हैं जिस देश में गंगा बहती है, कविता के कवि शैलेंद्र कुमार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब उसकी कविता का पहला 4 पंक्तियां भी हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। पहले की 4 पंक्तियों में क्या बताया गया था? पहले की 4 पंक्तियों में भारतवासियों की विशेषता के बारे में बताया गया था, जो हम पहले की कक्षा में पढ़े थे। फिर मैं आपको फिर से दोहराती हूँ। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। इस 4 पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों की विशेषता बताई है। भारतवासी हमेशा सच ही कहते हैं, उनके दिल निर्मल और विशाल होते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जिस देश में बहती है उस देश के वासी हैं। गंगा भारत में बहती है तो हम भारत देश के वासी हैं। इस तरह से हम कविता की 4 पंक्तियां पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की कविता की 4 पंक्तियां पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। मैं माँ जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। हाँ, कविता की इन 4 पंक्तियों में देखिए आप लोग, इस जगह में कवि कहते, कवि महिमा का अर्थ बताते हैं। महिमा का अर्थ क्या है बच्चों? महिमा का अर्थ है अतिथि। यहाँ पर अतिथि के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि हमारे भारत में अतिथि को देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है। भारतीय अपने महिमा को जान से भी प्यारा मानते हैं। यहाँ पर जान से भी प्यारा, यह मुहावरा है। जान से भी प्यारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। अतिथि अपने मेहमान को अपने से, अपने जान से भी प्यारा मानते हैं। अतिथि सत्कार को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देने वाले हैं। भारतीय क्या है? अतिथि को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देने वाले हैं। ऐसे भारतवासी कभी ज्यादा कमाने की लालच नहीं रखते। भाग्य से जो मिलता है उसमें वो लोग संतुष्ट रहते हैं। इस तरह से इस कविता में महिमा के महत्ता के बारे में बताया गया है। भारतीयों के संस्कार, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, गुरु देवो भवा, इसी तरह महिमा को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसे देवता के समान माना जाता है। बच्चों, हम कविता की जो 4 पंक्तियां पढ़े उसके कठिन शब्द देखो। महिमा का अर्थ क्या है? मेहमान का मतलब गेस्ट, जो अपने घर में अतिथि आते हैं उसे मेहमान कहते हैं। जान मतलब जीव। प्यारा प्रिय। ज्यादा का अर्थ क्या है? अधिक। लालच क्या है? लोभ। हम भारतवासियों में अधिक लालच नहीं होता, अधिक आशा नहीं करते। जो कुछ उनको मिलता है अपनी मेहनत के बल पर, उसे खाकर वो संतुष्ट रहते हैं। थोड़े का अर्थ क्या है? कम। गुजारा निर्वाह। ये हमारे कविता की जो आज पढ़े उसके 4 पंक्तियों के अर्थ हैं। अब मैं आपको इससे पहले की कविता में हम क्या क्या पढ़े फिर से आपको दोहराती हूँ। क्या क्या पढ़े थे हम लोग पहली कक्षा में? गंगा जी के महत्व के बारे में पढ़े थे, और कविता की पहली 4 पंक्तियों में भारतवासियों की विशेषता के बारे में पढ़े थे। जैसे भारतवासियों के होठों पे सच्चाई होती है, उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, उनका मन निर्मल और विशाल
गंगा बहती है, ये चार पंक्ति हम पढ़े थे। आज जो पढ़े फिर से बताऊंगी। महिमा, मेहमान हमारे जो होते हैं वो भगवान के समान माना जाता है भारत में। मेहमान को अतिथि देव भव, अतिथि देव के समान माना जाता है और वे अपने जान से भी प्यारा मानते हैं, उन्हें जान से प्यारा मानकर उनका सम्मान करते हैं। ज्यादा का उन्हें लालच नहीं होता, भारतवासियों को ज्यादा का लालच नहीं होता। जो कुछ भी अपने मेहनत के बल पर कमाते हैं उसमें वो संतुष्ट रहते हैं और थोड़े में ही अपने जीवन का गुजारा करते हैं। आगे की पंक्तियाँ जो है हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब के लिए धन्यवाद बच्चों।